नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। महंत नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। बता दें कि उनकी शव यात्रा पानी की टंकी तिराहा, आलोपी मंदिर तिराहा, गाय बछड़ा तिराहा, जीटी जवाहर और तिनकोनिया फोर्ट किला संगम चौकी से लाई जाएगी। वहीं जब पोस्टमार्टम के बाद महंत नरेंद्र गिरी महाराज के शव को पोस्टमार्टम के बाद बागम्बरी मठ की ओर ले जाया जा रहा था, तब काफी संख्या में साधु संत और उनके चाहने वाले शव वाहन के पीछे पीछे चल रहे थे, जिसे देखने से साफ होता है कि उनके कई चाहने वाले हैं और साधु संतों के समाज में हमेशा उनका विशेष महत्व रहा है। तो अपनी अंतिम यात्रा की ओर महेंद्र नरेंद्र गिरी समय है। शव यात्रा उनकी निकाली जा रही है और कुछ ही देर बाद अब से भू समाधि उन्हें दे दी जाएगी। भू समाधि देने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, गड्ढा पूरी तरह से बना लिया गया है। ऐसे में वहां पर काफ़ी संख्या में सुरक्षा का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही बता दें कि अंतिम यात्रा में काफ़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मोट सेंटर पहुंच चुके हैं। बता दें कि गाजियाबाद के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कैंप से मुख्यमंत्री ने ग्रेटर नोएडा के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी और करीब अब से थोड़ी देर पहले उनका हेलीकॉप्टर बारिश के बीच इंडिया एक्सपो मार्ट में लैंड हो चुका है। तो बता दें ग्रेटर नोएडा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और ऐसे में पहले वो गाजियाबाद गए थे, जहाँ से वो सीधा ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना हो गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में दादरी में पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। लेकिन उससे पहले दादरी में आप देख सकते हैं जमकर बारिश हो रही है, लेकिन बारिश में भी जो लोगों का जोश है वो अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से झमाझम बारिश यहाँ पर हो रही है, उसके बावजूद भी जो यहाँ पर लोग योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए आए हैं उनके जोश में कोई कमी नहीं है। उन्होंने त्रिपाल ले रखी है, उसको अपने सर पर ढक रखा है, लेकिन बारिश में वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। आपको एक बार मैं इस जनसभा को भी दिखाने चाहता हूँ, भीड़ को दिखाना चाहता हूँ। आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको वहाँ तक वो लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आएगी। महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। उसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस के द्वारा वो चाक चौबंद की गई है। आप जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक लोग यहाँ मौजूद हैं। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी यहाँ अव्यवस्था देखने को मिली है, लेकिन पहले से ही यहाँ पर जो ये टेंट लगाया गया, वाटर प्रूफ लगाया गया है, जिसमें काफ़ी लोग मौजूद हैं। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बाहर हैं और बारिश में जो जोश है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब थोड़ी देर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे। भूपेश प्रताप सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा। कानपुर के जाजबहू चौकी क्षेत्र के जेके कॉलोनी में रहने वाले 76 वर्षीय गुलाब चंद्र ने एसडीएम सदर के यहाँ शिकायत की थी कि उनके बेटे बहू और बेटी उनका पीड़न करते हैं और उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया है, जबकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए अलग घर खरीद कर दे रखा है, लेकिन उस घर को बच्चों ने किराए पर उठा रखा है और उनके घर पर जबरन कब्जा कर रखा है। वहीं काफी समय से दर दर की ठोका खाने के बाद आज हुआ गुलाब चंद्र कानपुर पुलिस आयुक्त असीम अरुण से मिलने पहुंचे और उन्हें अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद बुजुर्ग की पूरी तरह सुनकर पुलिस कमिश्नर ने गुलाब चंद्र को उनके घर पर प्रवेश दिलाने के लिए चकेरी सर्कल के एसीपी सहित थाना अध्यक्ष को आदेश दिया। वहीं कमिश्नर का आदेश मिलते ही एसीपी, कैंट कमिश्नर, पीआरओ सहित चकेरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बेटे बहू से घर खाली कराया और गुलाब चंद्र को घर पर सुरक्षित गृह प्रवेश कराया। आपको बताते चले कि बुजुर्ग गुलाब चंद्र अपने बेटे बहू और पुत्री के द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के विरुद्ध एसडीएम सदर न्यायालय में पहले भी गुहार लगा चुके थे और एसडीएम सदर न्यायालय ने बुजुर्ग के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके बच्चों को घर खाली कर गुलाब चंद्र के सुपुर्द करने का आदेश दिया था, लेकिन लचर पुलिसिंग के चलते अब तक गुलाब चंद्र दर दर की ठोकर खा रहे थे। वहीं पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दखल के बाद गुलाब चंद्र को इंसाफ मिल चुका है और उन्हें उनका घर वापस मिल गया है।
सांसद वरुण गांधी 23 सितंबर से 25 सितंबर तक 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचेंगे। बता दें इस दौरान सांसद वरुण गांधी 23 सितंबर को अमरिया और ललौरी खेड़ा ब्लॉक के करीब आधा दर्जन गांवों में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि वहीं 24 सितंबर को सांसद वरुण गांधी रेलवे द्वारा आयोजित ध्वज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रेलवे स्टेशन पीलीभीत पहुंचेंगे और इसके बाद सांसद अधिकारियों और सभासदों के साथ एक बैठक भी करेंगे और एकता सरोवर पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं 25 सितंबर को सांसद वरुण गांधी जिला प्रशासन और बंगाली समुदाय के लोगों के साथ बैठक करेंगे और देर बहेड़ी क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर वहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 3 दिवसीय वरुण गांधी दौरे पर पहुंचने वाले हैं पीलीभीत में। बता दें 23 सितंबर से उनका दौरा शुरू होगा, 25 सितंबर को खत्म होगा और ऐसे में तमाम कार्यक्रम इस दौरान के दौरान वो करेंगे। कुशीनगर में पूर्व विधायक से मुख्यमंत्री का ओएसडी बनकर रुपए मांग करने का मामला सामने आया है। बता दें पूरा मामला हाटा विधानसभा का है, जहां के पूर्व विधायक पवन कोड़िया को किसी शख्स ने सीएम का ओएसडी बनकर फोन पर मैसेज भेजा और उनसे पैसों की मांग की। इतना ही नहीं, जालसाज ने तो ये तक कह डाला कि वो इस वक्त सीएम के साथ ही है। वहीं मामले में अब पूर्व विधायक ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। बता दें कि पहले एक बार पूर्व विधायक पवन कोड़िया पर हमला भी हो चुका है, जिसके चलते विधायक को असुरक्षा का अंदेशा हो रहा है। ऐसे में फिलहाल विधायक की शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इस व्यक्ति ने फोन किया और फोन करने के बाद उसने कहा कि आप विधायक जी बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ बोला। तो वार्ता के दरमियान उसने तब तक वार्ता किया, वार्ता करने के बाद पूछा व्हाट्सएप नंबर आपका कौन सा है? तो हमने कहा यही नंबर जिस पर बात हो रही है इसी पे चल, व्हाट्सएप नंबर है। तो उसके बाद फोन कट गया। उसके बाद उसने कुछ पैसों की मांग की। वार्ता के दरमियान उसने पूछा कि आप दिल्ली गए थे, क्या हालचाल था, कैसा रहा जाना? तो हमने कहा भाई अभी मैंने दिल्ली मैं तो नहीं गया था। तो कह यार 100 महीना पहले गए थे। तो पैसा का कोई बहुत विषय नहीं है, पैसा तो आदमी कोई भी व्यक्ति बिछू गया, ऐसा कोई फ्रॉड आदमी होगा मांगेगा, लेकिन हमारे विषय में वो जानकारी रखता है, ये विषय चिंता का है और इसकी सूचना मैंने कप्तान को दे दिया है, पुलिस अपना काम कर रही है। रामपुर के शाहबाद में एक ग्रामीण ने स्वास्थ्य महकमे की टीम पर आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनकी गर्भवती पत्नी को जबरन वैक्सीन लगा दी, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ने लगी, जिस पर उसे सीएससी में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं युवती की मौत होने पर स्टाफ ने युवक से पर्चे छीन कर उसे धक्का देकर वहां से भगा दिया। अब मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर गुहार लगाई है न्याय की। बता दें शाहबाद के ऊंचा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रामपुर का मामला है जहां पर जबरन गर्भवती युवती को वैक्सीन लगा दी गई थी, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और गर्भवती युवती की जान चली गई। ऐसे में बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। अस्पताल स्टाफ की तरफ से जो पीड़ित मृतक युवती का पति था, उसके साथ स्टाफ ने बदसलूकी भी की। बता दें कि एससीएससी में पीड़िता भर्ती थी मृतका, और ऐसे में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं युवती की मौत होने पर स्टाफ ने युवक से पर्चे छीन कर उसे धक्के देकर वहां से भगा भी दिया और अब मामले में पीड़ित ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। हमारी घरवाली गर्भवती थी 6 महीना की, और उसके वैसे टीका भी लग चुका और कोरोना का टीका, जब ये लगा दिया उनको ऊंचा गाँव सरकारी अस्पताल सवाल शाम 8 बजे खत्म हो गई। फिर आपने डॉक्टर से ये कहा अन्य कोई बात की, हमारी सुनवाई नहीं थी और फटाफट कहते कि ले जाओ अपने घर। चलिए रामपुर से हमारे संवाददाता फान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फान, आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, टीकाकरण के बाद जो है सप्ताहभर में जो है 6 माह की गर्भवती थी जो महिला जो है जिसकी मौत हुई है। इस मामले में इसके पति ने डीएम रामपुर को जो है शिकायत पत्र दिया है। ये घटना आपको मैं बता दूं रामपुर शाहबाद की भी बताई जा रही है जी। आप महकमे की टीम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची थी, गाँव में टीकाकरण कराने।
आरोप उसके पति ने ये लगाया है कि जबरन उसकी पत्नी को गर्भपात होने के बाद जो टीका लगा दिया गया, कोरोना वैक्सीन का टीका बताया जा रहा है, उसकी हालत बिगड़ी। उसके बाद दो दिन बाद उसके बाद जो है उसको सीएचसी में जो है इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस दौरान उसकी और ज्यादा हालत बिगड़ी तो रेफर, जैसे ही रेफर किया तो रास्ते में जाकर उसकी मौत हो गई। तो हालांकि इस मामले में जो पति है उसने पीएम रामपुर को, सूबे के मुख्यमंत्री को जो है एक पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं अगर बात करें डॉक्टरों की तो डॉक्टरों ने ये कहा है कि हमने कोई जबरन जो है टीका नहीं लगाया है। जो डॉक्टर के चैनल है के प्रभारी उन्होंने जो है इस बात में स्पष्ट किया है कि आरोप हमसे झूठे लगाए जा रहे हैं। फिलहाल ये जांच का विषय है, इसमें पीएमओ विभाग, रामपुर का स्वास्थ्य विभाग जो है जांच करेगा, जांच के बाद भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। बिल्कुल अफरान, और पुलिस में शिकायत की है, जो पीड़ित है उसने मुख्यमंत्री से भी न्याय की गुहार लगाई है, तो अब तक क्या इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की गई है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ? देखिए अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अखबारों की सुर्खियां और टीवी चैनल की सुर्खियां ये खबर बन रही है, उसके बाद ही जो है एक्शन में आएगा रामपुर का प्रशासन। और हालांकि इस पर कार्रवाई की मांग तो पति ने करी है, क्योंकि महिला जो है उसके बच्चे भी हुए अनाथ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं किसान में गुस्सा भी है, तो गुस्से को लेकर शिकायत की गई है। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, बात ये भी सामने आई कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए यानी कि अफरान, जो गर्भवती महिला थी, जो महिला थी वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहती थी और जबरन उसे वैक्सीन लगा दी गई। जी बिल्कुल, ये बात निश्चित है। हमने गांव में पहुंच के इस बात की जांच रखी तो पता यही लगा है कि अपने टारगेट को पूरा करने के लिए वैक्सीन की वहां ना तो जांच की जा रही है ना परख की जा रही है, वैक्सीन लगा दी जा रही है, जबकि जो महिला है। अफरान, क्या इस तरह के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं? क्योंकि देखिए ये रामपुर ही नहीं, सिर्फ ऐसी तस्वीरें कई जगह से सामने आ रही हैं। मेरठ से भी बीते कुछ दिनों पहले ऐसी ही खबर सामने आई थी जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को 5 बार वैक्सीन लगा दी गई थी। तो इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे? देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अब तक पहली डोज भी वैक्सीन की नहीं मिली है, लेकिन ऐसे में ये लापरवाही बरती जा रही है, तो क्या इस और किसी का ध्यान नहीं है? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमें कार्रवाई अच्छी चाहिए। रामपुर के जैसे डीएम और जो आला अधिकारी ने सख्त कार्रवाई करने के लिए देखा जाए कि जिस तरीके वैक्सीनेशन वैक्सीन लगाई जा रही है अधिकारियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, तो उनको लगाई तो जबरन इसका नहीं लगाई जाए, इच्छा अनुसार जिसकी इच्छा उसको लगाई जाए। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं सामने तो साफ लगता है कि लापरवाही स्वास्थ्य की दिखती है। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामपुर का ये पूरा मामला है जहां पर जबरन गर्भवती महिला को वैक्सीन लगा दी गई और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी ये मिल रही है कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए युवती को वैक्सीन लगाई गई थी, हालांकि बता दें जब उसकी हालत बिगड़ गई तो गर्भवती महिला की मौत हो गई। बाराबंकी में नियमों कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां वन विभाग के मिलीभगत से वन माफिया लगातार प्रतिबंधित पेड़ों को काकटान कर रहे हैं, जिससे जिले में लगातार हरियाली कम होती जा रही है और पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है। आरोप है कि वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इन वन माफियाओं से मिलकर प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों की कटान का परमिट बना देते हैं। ये परमिट नियम कानून ताक पर रखकर इसलिए बनाया जाता है ताकि इन वन माफियाओं पर कोई सवाल या निशान न खड़ा हो और ये धड़ल्ले से प्रतिबंधित पेड़ काटते रहे। ताजा मामला बाराबंकी जिले के असंद्रा थाना क्षेत्र के सिन्नी सड़वा गाँव से सामने आया है, जहाँ वन माफियाओं ने एक दो पेड़ नहीं बल्कि आम का पूरा हरा भरा बाग ही काट डाला और जिम्मेदार सिर्फ देखते ही रह गए। तो बाराबंकी का एक पूरा मामला है जहां पर वन विभाग की भूमिका जो है वो उस पर संदेह है और ऐसे में वन विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। जिले में पेड़ों का अवैध कटान किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार जो हैं इसको लेकर वो पूरी तरह से चुप नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, इन वन माफियाओं से मिलकर प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों की कटान का परमिट बना दिया जाता है और ये परमिट नियम कानून ताक पर रखकर इसलिए बनाया जाता है ताकि इन वन माफियाओं पर कोई सवाल या निशान ना खड़ा हो जाए और ये धड़ल्ले से प्रतिबंधित पेड़ काटते रहें। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है जहां पर वन माफियाओं
के हौसले किस कदर बुलंद है, ये तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से पूरा का पूरा आम का बाग ही उन्होंने काट डाला है। देखिए, जिले के अंदर दो चीज़ों पे हम लोग समझौता नहीं करते हैं। एक तो हमारा जो जंगल है उस पर हम अतिक्रमण जो है बर्दाश्त नहीं करते हैं, और दूसरी बात यह है कि अवैध पेड़ों के कटान, अवैध कटान कहीं भी पाया जाता है, और अगर कहीं भी किसी को पता चलता है, ग्रामीणों तो भी और सभी लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि अगर कहीं अवैध कटान की आप पाते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है संदेश हमारे तक पहुँचाइए और कार्रवाई होगी, बहुत सख्त कार्रवाई होगी। सर, क्या संदेश देंगे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं? बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं इधर कोरोना काल भी चला और उसमें ऑक्सीजन की काफ़ी जो है कमी महसूस की गई, तो ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए और कोई साधन नहीं है मात्र ये कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सकें ऑक्सीजन के लिए, तो वही बेहतर होगा हमारे लिए। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरह से ये वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, उसके बावजूद भी जिम्मेदार क्यों चुप बैठे हैं? पागल, एक बार सवाल दोहराएं। रविंद्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पारुल, मिल रही है। एक बार सवाल दोहराएं। रविंद्र, जिस तरह से ये वन माफियाओं के हौसले बुलंद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिम्मेदार क्यों चुप बैठे हैं? देखिए, लगातार जिम्मेदार यहाँ वन विभाग जो है, जो जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी हैं, ये वन माफियाओं से साठ गांठ कर यहाँ पर फर्जी जो हरे भरे पेड़ हैं, फलदार पेड़ हैं, उनका परमिट बना दे रहे हैं, जिसके चलते वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और लगातार बाराबंकी पे हरियाली पे आरा चल रहा है और बाराबंकी से लगातार हरे पेड़ जो है प्रतिबंधित पेड़ों की कटान की जा रही है। इस पर जब डीएफओ से बात की गई, जब न्यूज ऑन इंडिया की टीम ने डीएफओ से बात की, तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही है। आखिर कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। लगातार लेकिन अक्सर जब ये इस तरह के मामले उजागर होते हैं, कार्रवाई की बात जरूर कह दी जाती है, लेकिन कार्रवाई अक्सर देखा जाए होती ही नहीं है। सिर्फ क्या ये खानापूर्ति कार्रवाई कह के हो जाती है? सिर्फ कह दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती है। पारुल, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं इनके विभागीय अधिकारी ही होते हैं, जो क्षेत्र के संबंधित अधिकारी होते हैं, उन्हीं की लापरवाही सामने आती है और उच्च अधिकारी कार्रवाई की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके चलते यहाँ पर कार्रवाई नहीं होती है, या कहें भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते हैं, कहीं ना कहीं इनको जानकारी होती है, जिसके चलते लापरवाहों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर ये लिप्त ना हो, संलिप्त ना हो, तो कार्रवाई जरूर हो, क्योंकि बड़ी बात है। सीएम साहब यहाँ लगातार करोड़ रुपये खर्च करते हैं, खुद सीएम साहब पेड़ लगाकर हरा भरा प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके विभागीय अधिकारी जो है इनकी मंशा पर पानी फेर रहे हैं और लगातार हरे भरे पेड़ों की यहाँ पर कटान की जा रही है। पारुल, जिसका जीता जाता उदाहरण न्यूज इंडिया टीम इस समय दिखा रहा है, जो बाराबंकी जिले के असंदरा थाना क्षेत्र से आया है। लेकिन बता दूं पारुल, लगातार पूरे जनपद में ये पेड़ों की कटान चल रही है और इस पर पूछे जाने पर बता रहा है। इस तरह से ये कटान कब से किया जा रहा है? देखिए पारुल, आपको बता दें, न्यूज इंडिया टीम ने पहले भी दिखाया है कि बाराबंकी जिले में लगातार प्रतिबंधित पेड़ों की कटान चल रही है। ये ताजा मामला बाराबंकी जिले के जो है असंदरा थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर ये पूरी पूरी आम की बाग काट दी गई है। हरे भरे फलदार पेड़ थे, इनको विभागीय मिली भगत से वन माफियाओं ने काट डाला है। पारुल जी, चलिए रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से लगातार पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिससे लगातार हरियाली कम होती जा रही है और पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल आरोप है कि वन विभाग के ही जिम्मेदार अधिकारी इन वन माफियाओं से मिलकर प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों की कटान का परमिट बना देते हैं और इसीलिए इस तरह से वन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में बीजेपी द्वारा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा भी सम्मिलित हुए और इस दौरान मंत्री के मंच पर आते ही भाजपाइयों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बता दें, गैसड़ी से बीजेपी विधायक शैलेश कुमार सिंह ने उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया और इस दौरान मंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कार्य विदेशों में सराहा जाता है, जिसे तेजी के साथ कोरोना काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महामारी पर नियंत्रण पाया और पूरे विश्व में उसकी सराहना की जा रही है। इस दौरान उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी बात की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। यहाँ तो जनता हमारी तय करती है, ये सर्वोपरि है,
और हमारे जो किसान भाई हैं वो आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में संपन्न हो रहे हैं, उनकी आय दुगनी हो रही है, उनको सहायता राशि भी तेजी के साथ में 3 किस्तें दी जा चुकी हैं और आप देख रहे हैं लगातार उनका सम्मान बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमने 1,40,000 करोड़ रुपए के उनके गन्ना भुगतान किए, हमने कोरोना काल में सारी मिलों को चलाया, गन्ना मिले हमारी बंद नहीं हुई एक भी, हमने सारी मिलों को चलाने का काम किया, फिर किसान सहायता राशि के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए उनके जो बीमा है उनका किसान बीमा योजना, ये सारी योजनाओं का लाभ सीधा किसान भाइयों को पहुंचाया है और किसान भाइयों के साथ खड़ी सरकार है हमारी। और ये जो चंद लोग हैं ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इनको आप पूर्व में भी जानते हैं कि ये कहाँ से इनका बैकग्राउंड है, कहाँ से आते हैं, तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आम किसान भाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार से पूरी तरीके से सहमत है। अलीगढ़ से कुछ खौफनाक तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जहां कुछ दबंग युवकों के द्वारा एक स्कूली छात्र को बीच सड़क में घेर कर बेरहमी के साथ जमकर पिटाई की गई। स्कूली छात्र की पिटाई करने वाले दबंग युवक छात्र की पिटाई करते हुए कह रहे हैं कि काफी उसे बातें कही गई और उस दौरान बता दें कि वहां से भीड़ निकल रही थी और ऐसे में सब ने उसको युवक को पिटता देखा और किसी ने वहां पर कोई बचाने नहीं पहुंचा, लेकिन वो भी मिलकर दबंगों के साथ जमीन पर पड़े छात्र के ऊपर लातों से हमला करते रहे। वहीं बता दें वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं छात्र की पिटाई करने वालों में मोहकमपुर गाँव का हिस्ट्री शीटर ग्राम प्रधान बबलू भी बताया जा रहा है। तो तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से छात्र को बीच सड़क पर पीटा जा रहा है। बेखौफ टॉप 10 हिस्ट्री शीटर प्रधान और उसके गुर्गों ने पिटाई की छात्र की। छात्र को बीच सड़क पर पीटा गया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से छात्र को पीटा जा रहा है और ऐसे में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने भी छात्र को बचाने की कोशिश नहीं की और सभी देखते रहे। समाजवादी पार्टी के किसान नौजवान पटेल यात्रा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में आज रायबरेली पहुंची, जहां जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं शहर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा कि रायबरेली और अमेठी में इस बार सपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। वहीं यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में किसान नौजवान सब परेशान है। इस यात्रा के माध्यम से हम सबको आश्वस्त करते हैं कि सपा सरकार आने पर किसानों और नौजवानों की ध्यान दिया जाएगा। खेत खलियान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान नौजवान पटेल यात्रा 29 अगस्त से जनपद सीतापुर से शुरू करके आज हम रायबरेली जनपद में हैं। कल शाम को रात में रायबरेली की सीमा पर पहुंचने पर हजारों के संख्या में किसान नौजवानों ने इस किसान नौजवान पटेल यात्रा का स्वागत किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को, नौजवान भाइयों को और पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में किसान बदहाल है, नौजवान परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों से जो वादा किया कि हम किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य देंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।